કેજરીવાલનું દિલ્હી મોડેલ આ વખતે પંજાબમાં છવાઈ ગયું છે. દિલ્હી મોડેલનું સ્વાગત પંજાબમાં કરવામાં આવ્યું છે અને પંજાબમાં એવો માહોલ હતો કે ખાલી આપ બાકી સબ સાફ. પરંતુ આ વધારી વચ્ચે અરવિંદ કેજરીવાલે જ્યારે પોતાનું સંબોધન કર્યું ત્યારે તેમણે એક વાત કહી જે ચર્ચાનો વિષય બની છે અને સૌ કોઈના આંખે ઉડીને વળગી છે. તેમણે ચેન્નઈ વિષય કંઈક એવું કહ્યું છે જે અત્યારે ટોક ઓફ ધ ટાઉન છે. શું કહ્યું આવો તેમના પાસેથી જ સાંભળીએ. એક આમ આદમી કો લગતા મેં ક્યા કર સકતા હું, મેં તો બહોત છોટા હું. આપકો પતા હૈ कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके. कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है. मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है. उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं. उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं. ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है. आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवन ज्योत कौर. उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया. तो दोस्तों, आम आदमी पर बड़ी ताकत है. मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो. ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे. तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ. अब इनकलाब लाना है देश के अंदर. समय आ गया है भारत का. 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना. सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो. आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इनकलाब का नाम है. आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है. भारत ना सौथी महत्वना राज्य माथी एक पंजाब छे, जेमा आम आदमी पार्टी ए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तमाम पार्टियों ने पछाड़ी ने आगड़ आवी छे अने सत्ता मा बेसी छे. त्यारे आम आदमी पार्टी नो वर्चस्व पंजाब मा वधतो हाल तो जोवा मळी रह्यो छे अने आ जीत आ जश्न नो माहोल जे छे अत्यारे पंजाब मा पण छवाई चुक्यो छे. आ रिपोर्ट मा बस आटलुं ज. गुजरात ना तमाम समाचार जोवा माटे आप जोता रहो गुजरात ना. नमस्कार.